गाइस, दिस इज विक्रम और आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लाया हूं एक बहुत ही बड़ा एम्पलीफायर। आज का हमारा एम्पलीफायर रहेगा ऑडियो स्टैंडर्ड की ओर से। आज हम लोग बात करने वाले हैं VP12000 मॉडल की। क्या ये 12000 वॉट का है, ये आपको वीडियो में पता लग जाएगा। इसके एक चैनल का आउटपुट 4 ओम्स पे, 2 ओम्स पे और 8 ओम्स पे कितना है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसका प्राइसिंग आपको देने वाला हूँ, इस पे क्या चलने वाला है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको इसकी साइज दिखाऊंगा। ये है वो एम्पलीफायर जो है काफी ज्यादा लंबा, काफी ज्यादा बड़ा। देखिए, ऑडियो स्टैंडर्ड जो है हमारी लाइन में काफी अच्छा और जाना माना ब्रांड माना जाता है। पहले से इनके कई सारे एम्पलीफायर्स मार्केट में ऑलरेडी चल रहे हैं, लेकिन ये मॉडल से आप लोगों तक इसका इंट्रोडक्शन लाना इसीलिए जरूरी था क्योंकि ये मॉडल ही कुछ ऐसा है। इस मॉडल का मार्केट प्राइस जो है लगभग 70000 के अंदर आपको मिल जाता है और आज इस वीडियो में इसको हम लोग बजाने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं, इसको चलाने वाले हैं और सभी तरीकों से इसको देखेंगे। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप लोग इसे लेना चाहते हैं तो नज़दीकी डीलर से कॉन्टैक्ट कीजिए या तो फिर हमें भी याद कर सकते हैं। विकी वैन का ऑफिस नंबर मैं नीचे दिए देता हूँ, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। महाराष्ट्र में हमारी शॉप है और यहाँ आके आप इसका डेमो सुन भी सकते हैं। इस एम्पलीफायर को स्टार्ट करने के बाद 4 फैन जब स्टार्ट होते हैं तो ऐसा लगता है कोई बड़ा सा हेलीकॉप्टर आपके बाजू में आके लैंड कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा, मैसिव है और इसका पावर भी उतना ही होता है, इसीलिए इसको ऐसे स्टार्ट होना होता है। चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग से लेके, और इसके बारे में आपको आगे की वीडियो में डिटेल देता चलता हूं मैं। तो आइए अब अनबॉक्सिंग को स्पीड में रखते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और इस बड़े से बॉक्स को खोल देते हैं जिसके अंदर और एक बॉक्स है। क्योंकि ये डबल कार्टून पैकेजिंग में आता है, बड़ा एम्पलीफायर है इसी वजह से। अंदर थर्माकोल का पैकिंग एक्स्ट्रा दिया गया है, पॉलिथीन में कवर्ड एम्पलीफायर हम लोग उठा के बाहर निकालते हैं। क्योंकि इसका वेट है 45 kg, तो इसीलिए आपको इसे दो लोगों को उठवाना होता है। पॉलिथीन निकाल लेते हैं इसका। पॉलिथीन निकालने के बाद आप लोगों को ये ब्लैक कलर का एम्पलीफायर काफी बड़ी साइज का दिखने वाला है। इसे हम लोग रख देते हैं ठीक से और एक बार इसकी साइज आपको ना स्केल से दिखा देते हैं कितना है। स्केल लाई जाए जब तक कि आपको हम लोग इसका लुक दिखाते हैं सामने से कैसा है। ये देखिए, 12 इंच का स्केल हमने रख दिया है और ये लगभग 2.5 feet का है, मतलब ये 22 इंच डीप है एम्पलीफायर। सामने वॉल्यूम कंट्रोल के नॉब्स दिख रहे हैं और ऑन ऑफ स्विच था इसके हैंडल के नीचे ताकि गलती से बंद या चालू ना हो। यहां पे लुक आप देखेंगे, सामने डिजिटल डिस्प्ले दिख रहा है। इसका पर चैनल आउटपुट मैं आपको बताऊं, ये 8 ओम्स पे 2000 वॉट पर चैनल देगा, 4 ओम्स पे 3000 वॉट देने वाला है आपको पर चैनल, और 8 ओम्स पे आपको ये 4000 वॉट देने वाला है पर चैनल। ब्रिज मोड पे भी ये एम्पलीफायर बिल्कुल आराम से काम करेगा। ब्रिज मोड का आउटपुट इसका 8 ओम्स का है 6000 और 4 ओम्स का है 8000 वॉट का, मतलब कि आपको 4000 वॉट वाले दो स्पीकर चलाने के लिए अगर ये एम्पलीफायर लेना है तो आप ले सकते हैं। काफी मोटा केबल दिया गया है इसे क्योंकि ये उतने एम्पियर का लाइट खींचने वाला है। साइड में एम्पलीफायर के कनेक्शंस के कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं, आप लोग आराम से इसे पढ़ सकते हैं लेने के बाद। और BIS अप्रूव्ड एम्पलीफायर है, उसका भी हॉलमार्क दिया हुआ है यहाँ पे। काफी बड़ी साइज का एम्पलीफायर आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पे। ये एम्पलीफायर जो है वो 3 स्टेप
क्लास एच का मॉडल होता है जिसका वेट 45 केजी है, जैसे मैं बता चुका हूं। इस मॉडल को जब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लग इन करके, एक तो इसका वायर काफी मोटा है। अब यहां से मैं इसे स्टार्ट करता हूं, ये कुछ इस टाइप की आवाज आपको आती है जहां फैन स्टार्ट होके काफी मोटी सी आवाज सुनाई आती है, क्योंकि एम्पलीफायर काफी बड़ा है तो इसे ठंडा होने के लिए उतना हीट वेंटिलेशन या एयर वेंटिलेशन ज्यादा जरूरी है। अब इसमें आप पहली चीज यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे कंपनी ने अपने ब्रांड नेम को हाईलाइट करने के लिए इसमें लाइट्स लगाए हुए हैं। उसके बाद साइड में मॉडल नंबर जो लिखा हुआ है VP12000, उसे भी हाईलाइट करने के लिए उसके अंदर भी लाइट्स हैं। एक डिजिटल डिस्प्ले दिया हुआ है जिसके अंदर लगभग दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन भर दी गई है, मतलब ये पैरेलल मोड पे है, स्टीरियो पे है या ब्रिज पे है, इसका पर चैनल का टेम्परेचर कितना चल रहा है और ये किस हिसाब से वर्क कर रहा है, इसको ऑडियो इनपुट कितना मिल रहा है, ये सारी चीज़ें ये आपको डिस्प्ले में दिखाने वाला है। इसके वॉल्यूम कंट्रोल जो बटन्स दिए हुए हैं ये एक्चुअली गेन के बटन हैं। आप जब भी इस पर कुछ प्रोडक्ट चलाते हैं तो आपको इसकी वॉल्यूम फुल रखनी होती है। इसके जो क्लिप के लाइट्स हैं या LED जो लाइट्स दिए गए हैं यहाँ पे, उनमें आपको लाइट्स के कलर चेंजेस मिलेंगे। ग्रीन तक आप लोग नॉर्मल चल रहे हैं, रेड क्लिप पे आप लोग थोड़ा गलती कर रहे हैं, और बाकी इसमें प्रोटेक्ट का भी सिग्नल दिया गया है। अगर आप लोग कहीं से रॉन्ग चले जाते हैं या कुछ आप एम्पलीफायर को हानि पहुँचाने की साजिश करते हैं तो ये आपको करने नहीं देगा, ये आपको प्रोटेक्ट का साइन दिखा देगा। और जहां तक मैं जानता हूं इसमें सर्किट ब्रेकर भी दिया गया है जो आपके किए गए फॉल्ट को सहन नहीं करेगा, ये बंद हो जाएगा, ये आपको प्रोटेक्ट का लाइट दिखा देगा, ये बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा इसके पीछे की साइड से अगर मैं आपको बात करके बताऊं तो यहां पे दो ऑप्शन मिलते हैं आपको, मैं आपको इसका क्लोज लुक दिखा देता हूं। इस वाले एम्पलीफायर में हम लोग देख सकते हैं यहां पे दो इनपुट दिए गए हैं, चैनल ए और बी का, और इसको लिंक करने के लिए भी आपको आउटपुट दिए गए हैं। फैंस की ग्रिल कुछ नॉर्मल सी दिख रही है, बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी नहीं दिख रही है। इसके बाद यहाँ पे फिल्टर के बटन दिए गए हैं, जिस फिल्टर में आपको बाईपास, हाई पास और लो फ्रिक्वेंसी, तीन टाइप के फिल्टर यहाँ पे दिए गए हैं। ये चैनल ए और चैनल बी दोनों के लिए इंडिविजुअल है, यानी कि दो क्रॉस ओवर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। इसके अलावा ऑपरेशन मोड में आपको स्टीरियो, पैरेलल और ब्रिज, स्टीरियो मतलब दो इनपुट करके दो आउटपुट निकालेंगे, पैरेलल मतलब एक इनपुट करेंगे दो आउटपुट निकालेंगे, और ब्रिज मतलब एक इनपुट करके पूरे एम्पलीफायर का आउटपुट एक साथ निकालेंगे। इसके अलावा ग्राउंड और सेंसिटिविटी दिया गया है, ग्राउंड आप ऑन या ऑफ रख सकते हैं, अगर आपको अर्थिंग यानी कि झटका नहीं चाहिए तो ऑफ रख दीजिए, अगर आपको ऑन रखना है तो ऑन रख सकते हैं। अगर आप इसका सेंसिटिविटी सेट करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आप 0.7 पे सेट कीजिए, इस पर आपको आउटपुट सबसे अच्छा मिलता है, सबसे ज़्यादा मिलता है एक्चुअली। कंपनी ने ऊपर से भी ब्रांडिंग कर रखी है और खांचे जगह जगह पे दिए गए हैं जहां से आपको हवा बाहर निकलती हुई दिखाई आएगी जब आप इसे स्टार्ट करेंगे। गर्मियों के लिए एक बहुत अच्छा फैन आपको ये दे सकता है, अगर आप इसे चला नहीं रहे तो, मजाक कर रहा हूँ, ये चलाने के लिए ही है, इसीलिए इसमें इतने सारे फैन लगाए हैं ताकि ये ठंडा रहे। और एक लंबा हीट सिंक दिया गया है क्योंकि उस पर उतने सारे पार्ट्स लगाए गए हैं, उतना सारा मटीरियल लगाने के बाद उसे ठंडा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उठाया जाए, लगभग 45 किलो का ये एम्पलीफायर बोला जाता है, देखते हैं उठा के इतना है या है। काफी ज्यादा वेटेड है। इसका मेन पार्ट है टोराइडल ट्रांसफार्मर जो बीच में दिया गया है, ये ट्रांसफार्मर ही इसका खेल करने में माहिर है, ये काफी ज्यादा पावर ट्रांसफार्मर होता है। इसके ऊपर एक रबराइज रिंग भी होती है जिसके कारण आपको हमिंग वाली साउंड इसमें नहीं आती है, और इसका आउटपुट जो है उसमें आप लोग एक काफ़ी बड़ा वेरिएशन देख सकते हैं अदर एम्पलीफायर से, इसको जब कंपेयर करते हैं तो इसमें पंच काफ़ी अच्छी है, यानी ये आपको वो स्ट्रोक फील करवाता है जैसे कि कोई मंदिर की घंटी बजाई जाती है, तो उतनी स्ट्रॉन्ग आपको जो क्या बोलेंगे भेदती हुई आवाज़ जिसको बोलेंगे वो आपको मिलती है इसमें। तो आप अगर इसको बेस में यूज़ करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा लंबा एरिया तक पंच इसका फील होने वाला है।
नो डाउट इसका पर चैनल आउटपुट भी 3000 बोला गया है, तो आप इस पे एक मान के चल सकते हैं कि 5 इंच वॉइस कॉइल वाले, 280 मैग्नेट वाले, जिन पे 2000 वॉट्स का आउटपुट बोला जाता है, एक्चुअली हम लोग उसको अगर RMS में कैलकुलेट करें तो एक चैनल पे ये 2 बजा लेगा। 5 इंच वॉइस कॉइल के 4 स्पीकर बजाने में ये सक्षम है, यानी कि डुअल का एक पेयर आपका आराम से बजा लेगा। 2 ओम्स पे ये 4000 वॉट का आउटपुट देता है, यानी कि आपके क्या बोल सकते हैं, 500 वॉट के अगर स्पीकर्स हैं तो ऐसे 4 कॉलम ये बजा लेगा, यानी कि 1000 वॉट के लगाने पड़ेंगे आपको। करेक्ट, आपके अगर 1000 वॉट के भी स्पीकर्स हैं तो भी ये चला लेगा। यस राइट, क्योंकि 4000 वॉट का आउटपुट है 2 ओम्स पे। और सबसे बड़ी बात, अगर आप 21 इंचेस लगाना चाहते हैं तो भी ये चला लेगा, क्योंकि 8 ओम्स पे ये 2000 वॉट का आउटपुट इसका बोला जाता है। सबसे अच्छी बात है इसका डैम्पिंग फैक्टर, जो कि 2000 है, यानी आपको वो एनर्जी फील होने का मौका मिलेगा, रिवर्स एनर्जी, जिससे कि आपको लाइव शोज में भी ये काफी अच्छा रिस्पॉन्स करता हुआ दिखने वाला है। चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं। आप लोग हेडफोन लगाइए, लगा लिया लगता है। चलिए फिर आप सुनते हैं। अभी आउटडोर में हम लोग इस पे डुअल 21 चेक कर रहे हैं, 2000 वॉट वाले स्पीकर हमने इसमें डाल रखे हैं, और इसका कनेक्शन मैं आपको दिखा देता हूं। हमने स्पीकर्स को पैरेलल कनेक्ट किया है, एक सॉकेट पीछे से लगा के इसमें सीधा स्पीक ऑन दिया है हमने एम्पलीफायर पे। रेड कलर वाला केबल स्पीकर्स का है जो कि हमने लगा रखा है, यहां से आप देख सकते हैं। मोड हमने इसका पैरेलल रखा है ताकि चैनल ए में इनपुट करने से पूरे एम्पलीफायर को हम लोग रन कर सके। अब आप लोग इसकी टेस्टिंग सुनिए। Oh,
पावर के मामले में एम्पलीफायर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। हमने इसे डांडिया रास में इसीलिए टेस्ट किया क्योंकि रोज़ 4 से 5 घंटे इसने चलना था, कंटिन्यू 9 दिन तक चलना था, और वहाँ देने से पहले हम लोग इसे आउटडोर में भी लेके गए ताकि ये सुनिश्चित हो कि ये अच्छी क्वालिटी देता है। और डांडिया रास में हमें इसे बंद करने का ऑप्शन नहीं मिलता है क्योंकि वहाँ कंटिन्यू चलता है, लेकिन वहाँ पे भी इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है क्योंकि हमने इसे टेस्ट किया है तभी बता पा रहे हैं। और आउटडोर में इसकी परफॉर्मेंस एकदम शानदार रही, 2-3 बार बरसात आई थी लेकिन ये नहीं बंद हुआ, बरसात बंद हो गई। खैर, मुद्दे की बात यह है कि ये मार्केट में इजीली कम मिलता है क्योंकि इसका स्टॉक मेंटेन नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी आपको ये अगर मिल जाता है तो आप ये समझिए कि आपको एक अच्छा एम्पलीफायर मिल चुका है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको एक अल्टीमेट परफॉर्मेंस वाला स्पीकर है और उसको एक अच्छा एम्पलीफायर आप चूज करना चाहते हो, चूज कीजिए ऑडियो स्टैंडर्ड VP12000 को। आशा करता हूं कि आज की वीडियो में मैंने पूरी इंफॉर्मेशन जो मेरे पास थी कूट कूट के भरी है। और आपको पता ही है, ऐसी वीडियोस और देखने के लिए इस चैनल पे बने रहिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस।